हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज का ब्लॉग हम लोग बनाने वाले हैं मयंग डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। मयंग हम लोग जा रहे हैं मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ में। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मयंग डिस्ट्रिक्ट जो है वो ब्लैक मैजिक के नाम से बहुत फेमस है। तो चैनल पर आप लोग बने रहे दोस्तों, आगे का अपडेट आप लोग को देते जाएंगे। क्या है मयंग में स्पेशल, क्या क्या वहाँ पे है, देखते हैं। तो चलिए हम लोग निकलते हैं। यहाँ हमारी मेरा बाइक भी यहाँ रेडी है जाने के लिए। यहाँ से अभी हम लोग पहले जाएंगे अपने दोस्त के घर, वहाँ से हम लोग गाड़ी लेंगे, गाड़ी लेके फिर मयंग डिस्ट्रिक्ट जाएंगे। तो बने रहे चैनल पे दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, गाड़ी पार्क हो चुकी है। अभी यही गाड़ी में हम लोग को जाना है अभी बैठ के। चलिए आगे का अपडेट आपको मिलता रहेगा चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग का प्लानिंग बन गया मिस्टिक मयंग का, ठीक है। तो मिस्टिक मयंग आखिर है क्या? तो दोस्तों, ये एक रिजॉर्ट है, ठीक है। यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं। यहाँ का लोकेशन आप देखिए, प्लाजा। यहाँ का कल्चर का बनाया गया है ना, मयंग का है ना, असमिस ट्रेडिशन का, असमिस का, हाँ असमिस का ही ट्रेडिशन दिया हुआ है। तो आइए आप लोग को आगे अपडेट देते रहेंगे, चैनल पर बने रहे दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं सामने में, यहाँ पे बहुत खूबसूरत दोस्तों, यहाँ पे स्टेट प्लेस है ये। आप यहाँ पे आके रह सकते हैं। स्टार्टिंग प्राइस दोस्तों 6500 से स्टार्टिंग है, तो अपना आप बजट बांध के आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे सबसे एक खूबसूरत चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा लगा तो वो ये है कि आप यहाँ पे खेल सकते हैं अपना क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी आप खेलना चाहें यहाँ पे आके आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं, बड़ों के साथ खेल सकते हैं। काफ़ी यहाँ का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया गया है। और ये सामने में देख सकते हैं दोस्तों, ये विला है दोस्तों, और काफ़ी खूबसूरत विला है। आपको दूर से ही नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, और काफ़ी कॉस्टली है दोस्तों। आप जब भी आएंगे आप बजट अपना बांध के आइए। लेकिन ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है दोस्तों, यहाँ पे अभी काम चल रहा है, बन रहा है। और ये सामने में आप देख सकते हैं, यहाँ वाला अभी कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन में अभी काम चल रहा है। तो जब भी आप आएँ ज़रूर यहाँ का व्यू देखें, कितना खूबसूरत है। चलिए एक सबसे खूबसूरत चीज़ मैं यहाँ का दिखाता हूँ, जो कि है ये पुल। दोस्तों, मैं जब भी यहाँ पे आऊँगा फ्यूचर में, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं यहाँ का आनंद ज़रूर लूँगा। अभी ये पुल स्टार्ट नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में ये भी काम चल रहा है इसका। हम लोग आए थे दोस्तों यहाँ पे घूमने के लिए, बट अभी ये पूरा ही अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो चलिए यहाँ का मैं और भी टूर कराता हूँ, क्या क्या यहाँ पर खास है, और देख सकते हैं सामने में। तो दोस्तों, ये रेस्टोरेंट भी काफ़ी खूबसूरत है, देख सकते हैं। यहाँ कॉस्टली है, बट आप यहाँ पर आके इसका आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तो वैसा कुछ था नहीं, ये एक्चुअली में ये स्टेट प्लेस है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, कहाँ जाएंगे? चाणक्य ना, चाणक्य रिजॉर्ट जाते हैं, और वहाँ का अपडेट आपको देते हैं। यहाँ आपको कुछ खास लगा नहीं? मुझे क्या, किसी को अच्छा नहीं लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको आगे का, जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों, हम लोग चाणक्य पहुंच चुके हैं। ये चाणक्य का रोड है दोस्तों। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, चाणक्य गुवाहाटी से 42 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि चंद्रपुर से होते हुए हम लोग मयंग में पाते हैं, ठीक है। मयंग से पहले चाणक्य पड़ता है, तो चाणक्य आप लोग ज़रूर से ज़रूर विज़िट करें। ये दोस्तों रोड है चाणक्य का, मैं दिखाना चाहूँगा। काफ़ी जिगजैग रोड है और काफ़ी छोटा रोड है। तो जब भी आप लोग आएँ, तो मैं तो बोलूँगा आप लोग फोर व्हीलर से आएँ। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं, ये देख सकते हैं सामने में, काफ़ी इको फ्रेंडली जोन है ये। और यहाँ सामने में देख सकते हैं, ये चट्टान है, चट्टानों के बीचों से हम लोग को गुजरना है। आगे आप लोग को हम जानकारी देते हैं। देखिए कितना खूबसूरत यहाँ का व्यू है दोस्तों, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ठीक पास में है। दोस्तों, इस चट्टान के बीच से हम लोग को जाना है, और लोग कहते हैं यहाँ पर बस भी आते हैं पिकनिक मनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, चाणक्य एक इको कैंप रिजॉर्ट है, जहाँ पे लोग ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं, पिकनिक मंगाने के लिए आते हैं। तो चैनल पर बने रहे दोस्तों, आगे अपडेट आपको देते रहेंगे।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ हम लोग चाणक्य इको कैंप में पहुँच चुके हैं। बहुत सारे अन्य रिजॉर्ट हैं यहाँ पे, जैसे कि ये जावन रिट्रीट है और यहाँ पे चाणक्य चापोरी है। तो थोड़ा नीचे की ओर मैं गया तो काफ़ी खूबसूरत मुझे ये व्यू दिखा। यहाँ पे आप दोस्तों बैडमिंटन वगैरह, वॉलीबॉल वगैरह भी खेल सकते हैं, बॉनफायर जला के एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ टेंट की भी सुविधा दी गई है नाइट स्टे करने के लिए, आप लोग यहाँ पे आके रुक सकते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर विज़िट करिएगा। तो चैनल पर बने रहे दोस्तों, आगे और भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों अभी हम लोग चाणक्य पहुंच चुके हैं और चाणक्य में काफ़ी सारा रिजॉर्ट है दोस्तों। अभी हम लोग पहुंचे हिल माइना बैम्बू रिजॉर्ट, जस्ट मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत यहाँ का रिजॉर्ट है। चलिए आगे और आपको डिटेल देते जाएंगे, बने रहे चैनल। दोस्तों शुरू करते हैं रेस्टोरेंट से। तो ये हिल मैंने बैम्बू रिजॉर्ट का दोस्तों बाहर का रेस्टोरेंट है। चलिए अंदर में आपको विजिट कराते हैं कि अंदर क्या खास ही नहीं है। तो दोस्तों ये मैं बताना चाहूँगा, ये रेस्टोरेंट जो है पूरा ही बैम्बू स्ट्रक्चर से बना हुआ है। और यहाँ पे सबसे खास बात मुझे ये लगा कि यहाँ पे 599 में दोस्तों यहाँ पे बुफे सिस्टम भी अवेलेबल है। तो जिन जिनको बुफे खाना है बुफे भी खा सकते हैं। बहुत सारे चीज़ अवेलेबल यहाँ पे मिल जाते हैं अनलिमिटेड। और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत देख सकते हैं, पूरा बैम्बू स्ट्रक्चर से बना हुआ है दोस्तों। तो यहाँ सबसे खास बात मुझे ये लगी कि दोस्तों यहाँ पे हम लोग इको फ्रेंडली जोन में हम लोग बैठ के अभी खाना का ऑर्डर किए हैं। और काफ़ी इको कैंप इस तरह से बनाया गया है, यहाँ कार पार्किंग का काफ़ी फैसिलिटी दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं कार पार्क करके यहाँ पर आप लोग आनंद ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ में एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर बैम्बू कॉटेजेस बनाए गए हैं जहाँ पर आपको इको फ्रेंडली जोन बहुत प्रोवाइड होगा और काफ़ी अच्छा आप लोग को लगे तो ज़रूर विज़िट करें। दोस्तों हम लोग का अभी खाना खा चुके हैं, हम लोग खाना खाते हैं, यहाँ का टेस्ट आप लोग को बताते हैं कैसा है। शंकर कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं शंकर? सर आप तो ठीक है। ठीक है दोस्तों, खा के बताते हैं। हमने ऑर्डर किया था मटन और राइस और रोटी और दाल का क्या? दाल शंकर पी गया है, तेजपुर छोड़ के आया। तेजपुर बहुत फेमस जगह है, आगे आपको अपडेट मिलते रहेगा, बने रह जाएंगे। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो जरूर से जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।